डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल वर्सेस इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। तो ये डायरेक्ट लेवल कंट्रोल के बारे में बता रखा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में बता रखा है, तो इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे सब। तो इन दोनों को पहले हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट लेवल कंट्रोल, डायरेक्ट लेवल कंट्रोल क्या होता है, ये ऑपरेट करता है एट लेवल हायर देन बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन लेवल, ताकि ये ऊपर से देख करके जो मिसस्टेटमेंट हो रही है उसको प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके। अब ये बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर ऑपरेट करेगा, तभी तो नीचे देख पाएगा ना कि जो मिसस्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट करेगा और करेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा। लेकिन ये प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करता कैसे, ये रिव्यू और मॉनिटरिंग करके करता है। रिव्यू किसका करता है, बिजनेस परफॉर्मेंस का रिव्यू करता है और मॉनिटरिंग करता है कंट्रोल एक्टिविटीज़ की। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल पर। तो इनडायरेक्ट जो एंटिटी लेवल कंट्रोल होता है वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड तो नहीं होता, वो ऐसे तो नहीं देख रहा होता बिजनेस प्रोसेस को कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और इसी कारण से वो जो मिसस्टेटमेंट को ना तो प्रिवेंट करता है, ना तो डिटेक्ट करता है, ना तो करेक्ट करता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या करता है, जो डायरेक्ट ELC है उसकी इफेक्टिवली फंक्शनिंग में उसको हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अब एग्जांपल कैसे, जैसे COC एंड पॉलिसीज़ में एथिक्स पॉलिसीज़, HR पॉलिसीज़, तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ELC। तो अब हम इनके टेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे भी आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट ELC ऑपरेट एट अ लेवल हायर देन बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शनल लेवल, सच्चा सब बिजनेस प्रोसेस और सब प्रोसेस लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल, एट अ सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रिसीजन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर। एग्जांपल इंक्लूड बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एक्टिविटीज बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इनडायरेक्ट कंट्रोल्स क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स डू नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रोसेस, ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस, एंड हैंस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। However, they contribute indirectly to the effective operations of the direct ELC and other control activities.